गोरखपुर में फर्जी नाम पते पर पासपोर्ट बनवाकर विदेश में बसे जालसाजों पर अब पुलिस शिकंजा कसेगी। नहीं लौटे तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। एसएसपी ने लंबित विवेचना की समीक्षा के बाद लुकआउट नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। एसएसपी ने साफ कर दिया है कि इसके बाद फरार दर्शाते हुए विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी जाए। पुलिस फरार होने पर इनाम घोषित करेगी और इसकी मदद से लिखा पढ़ी कर कोर्ट से 82 व 83 हाजिर कर संपत्ति को कुर्क कर देगी। इस संबंध में सोमवार को एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान में जिले में 19 इस तरह के मुकदमों की विवेचना लंबित है। आपको बता दें कि जिले के साउथ इलाके के कई थानों में फर्जी पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पासपोर्ट एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। आंकड़े के अनुसार बढ़लगंज, गोला, गघा, पेलीपा, खजनी आदि थानों में वर्ष 2022 व 2023 में दर्ज 19 मुकदमों की विवेचना अभी तक लंबित है, क्योंकि आरोपी वर्तमान में विदेश में है। विवेचनाओं को पूरा व आरोपियों पर कार्रवाई के लिए एसएसपी ने माथतों को निर्देशित किया है। अब पुलिस फरार आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराएगी, साथ ही कोर्ट से आदेश लेकर कुर्की कर नोटिस चस्पा कर इनाम घोषित कराएगी। वहीं विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर जांच पूरी कराने के में मदद ली जाएगी। एसएसपी ने एडिशनल एसपी को विवेचना पूरी कराने के लिए पासपोर्ट ऑफिस से संपर्क करने को भी कहा है, ताकि वहां से पुलिस को जानकारी मिल सके। गलत तरीके से पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गए जालसाजों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी नहीं आए तो इनाम घोषित और फिर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस फरार घोषित कर विवेचना पूरी कर चार्जशीट की दाखिल करेगी। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर में कुछ ऐसी सूचनाएं और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक पासपोर्ट अपनी पहचान को छुपाते हुए या अगर उसका आपराधिक इतिहास है उसको छुपाते हुए पासपोर्ट बनवाए जाते हैं। इस संबंध में पूर्व में मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। उन मुकदमों की क्या स्थिति है उसके लिए एसपी साउथ साहब को निर्देशित किया गया है कि उनको रिव्यू कर लें। जो व्यक्ति इस तरह से फर्जी पासपोर्ट बना करके विदेश गए हैं उनका लुकआउट नोटिस जारी कराया जाए, उनके विरुद्ध इनाम कराया जाए और उसमें विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाए। साथ ही साथ सभी जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो पासपोर्ट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनको भी निर्देशित किया जा रहा है कि जब भी वो पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन करने जाएँ तो ये बात को सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति का वेरिफिकेशन हो रहा है उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। और दूसरा, उस व्यक्ति ने अपना आपराधिक इतिहास या नाम या पहचान छुपाने के लिए नाम बदल करके कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं तो बनाए हैं, अगर इस चीज़ की चीज़ सामने आती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन अगर कोई पुलिसकर्मी इस तरह से करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस तरह के अगर कोई गैंग्स काम कर रहे हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो फर्जी पासपोर्ट बना रहे हैं या बनवा रहे हैं उनके ऊपर आने वाले दिनों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।